हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल। स्टूडियो में हम लोग करेंगे इसको इक्वेशन को सॉल्व, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू साइन कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है हमारे पास, इसका क्या मतलब है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर वन होता है। तो एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, वन आ गई, ठीक है। तो बी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एक्स के साथ क्या है, वो बी की वैल्यू है तो टू है, तो हम यहाँ पर टू लगा देंगे, ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस टू, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, और उसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यूज माइनस बी है तो माइनस का माइनस आ गया, बी की जगह क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी टू है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की जगह क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू डेट इज़ टू, और उसके ऊपर क्या है, बी के ऊपर स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। इस तरह माइनस का माइनस, फोर का फोर आ जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू डेट इज़ वन, सी की जगह क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू डेट इज़ माइनस टू, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, टू ए है ना, तो क्या आ जाएगा, टू का टू आ जाएगा, और ए की जगह ए की वैल्यू डेट इज़ वन, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस टू आ गया, प्लस माइनस आ गया, टू का स्केयर क्या होता है, टू का स्केयर फोर होता है, ठीक है। अब हमने इनको तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, फोर टू ज़ार एट आ जाएगा, और फोर टू ज़ार एट मल्टीप्लाई हो के आ गया, अब साइन भी तो मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, टू अंजर टू आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस टू है और यहाँ पर प्लस माइनस है, और हम लोग क्या करेंगे, अब इनको प्लस कर लेंगे, फोर में एट प्लस करें तो क्या आता है, ट्वेल्व आता है, नीचे टू का टू आ गया। अब ट्वेल्व जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे सिक्सटीन होता है, तो सिक्सटीन किसका होता है, हमारे पास फोर का, तो वो फोर बाहर आ जाना था, लेकिन जो ट्वेल्व है वो किसी का नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्वेल्व के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्वेल्व के फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, टू सिक्स है, टू थ्री ज़ार थ्री वन ज़ार, हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, क्या आ गया, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्वेल्व के प्राइम फैक्टर्स क्या आए, यहाँ पे लिखेंगे टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, और नीचे क्या आ जाएगा, टू का टू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये देखें, टू टू टाइम्स है तो टू का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय थ्री आ जाएगा, ठीक है, और नीचे टू का टू आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस टू है, प्लस माइनस आ जाएगा, और आपको पता है ना, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, और ये टू बाहर आ गया, और ये थ्री के ऊपर जो है स्केयर नहीं है, तो ये अंदर ही रह जाएगा, ठीक है, और नीचे टू का टू आ गया। फिर हम क्या करेंगे, हम लोग टू कॉमन ले सकते हैं ना इनमें से, क्योंकि ये देखिए, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो ये पूरा एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो हम इनमें से क्या कर सकते हैं, टू कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग टू कॉमन ले लें तो अंदर क्या रह जाएगा, टू बाहर निकल गया तो अंदर क्या रह गया, माइनस वन निकल गया ना, तो वन रह गया, प्लस माइनस टू इसका बाहर निकल गया तो क्या रह गया, अंडर रूट थ्री रह गया, नीचे क्या आ गया, टू का टू। अब हम क्या करेंगे, ये टू और ये टू इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको ये एक्स इज इक्वल टू था ना, ठीक है, सॉल्यूशन सेट में कैसे लिख लेंगे, ये देखें, सॉल्यूशन सेट में इसको लिख लेते हैं इस तरह, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, ठीक है, लिख लिया तो ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये दोबारा से देख लें, ये हमारे पास थी इक्वेशन, देन हमने वैल्यू साइन की ए बी और सी को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, उसके बाद देन वैल्यू पुटिंग की और उसको इस तरह सॉल्व किया, और देन हमारे पास आंसर आ गया। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हम लोग जो है इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।